नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैं आज ये करेले की फसल देखने के लिए आया हूँ। ये करेले की फसल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये करेले की फसल में ये पत्ती में जो कि कालापन आके पत्तियाँ सूख रही हैं, और पत्तियों के सूखने से पौधों में काफ़ी दिक्कत होने लगती है, पौधे धीरे धीरे सूखने लगता है। ये ऐसी समस्या है कि ये निचले पत्तों से शुरू होके और ऊपर की तरफ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें यदि आपकी करेले की फसल में ऐसी कोई समस्या है, ये समस्या करेला और तरोई दो फसलों में ज़्यादातर होती है, तो यदि किसान भाइयों आपके फसलों में ऐसी कोई समस्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पत्ती काली पड़ के और सूख जा रही है, ये काफ़ी पौधों में है, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, फूल भी आ रहा है और उसके साथ साथ ये पत्तियां सूख रही हैं। यदि आपके फसलों में ऐसी कोई समस्या है कि पत्तियां काली पड़ के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अगला पौधा जो है ये निचली पत्तियों से शुरू होके और ऊपर की ओर जाता है। यदि आपके फसलों में ऐसी कोई समस्या है तो आप कैप्टान प्लस हेक्जाकोनाजोल का आप छिड़काव कीजिए। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर इसका छिड़काव करें तो आप इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। यह समय पर आपने ध्यान नहीं दिया किसान भाइयों, तो आपकी फसल में बहुत भारी नुकसान होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये निचली पत्तियों से ऊपर की ओर जाता है, ये देख रहे हैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। किसान भाइयों, यदि आपके इसमें फसल में ऐसी कोई समस्या है तो आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल, जो कि इंडोसिस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का आता है, उच्च गुणवत्ता वाला, ये आपका वेपन के नाम से आता है, आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव करें। इसके बाद में आप ये टाटा कंपनी का ले सकते हैं, टाटा कंपनी का कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल, जो कि ताकत के नाम से आता है किसान भाइयों, आप इसको ले सकते हैं, या जिस किसी भी कंपनी का जो कि उच्च गुणवत्ता वाला हो, अच्छी कंपनी हो, उसका आप कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल लेकर आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। कहने का मतलब ये है, यदि आपकी 15 लीटर की टंकी है किसान भाइयों, तो आप 100 ग्राम दवा को आप 50 लीटर पानी में घोल बनाकर आप टंकी है किसान भाइयों तो आप 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम दवा को आप 50 लीटर पानी में घोल बनाकर आप 3 टंकी, जो कि 15 लीटर की होती है, आप बना सकते हैं। अर्थात 100 ग्राम दवा आप 50 लीटर पानी में घोल बनाकर और स्प्रे करें। ये स्प्रे आपको 2 बार करना है, एक एक हफ्ते पर। इस कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल अर्थात वेपन या ताकत के साथ साथ आपको कोई हल्का सा कीटनाशक उसमें मिला लेना है, जैसे कि आप 70% इमड़ा, जो कि 2 ग्राम की एक पुड़िया होती है, 15 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है, उसको मिला सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ नहीं मिल पाती है तो आप थाइमेक्सोम 25% WG मिला सकते हैं, जो कि इंडोसिस केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का गिज्मो के नाम से आता है, इंडो गल्फ कंपनी का सितारा के नाम से आता है, और भी कई अन्य कंपनियों के उच्च गुणवत्ता वाले आते हैं, जिस भी किसी कंपनी का आपको मिल जाए। यदि आपको ये दोनों नहीं मिल पा रहा है कीटनाशक, तो आप सिजेंटा कंपनी का पोलिट्रीन, जिसमें आपको प्रोफोनोपास प्लस साइपरमेथ्रिन मिला होता है किसान भाइयों, आप डाल सकते हैं इसके साथ मिलाकर। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यदि आपके पौधों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि आपके पौधों में फूल आ रहे हैं, तो आप प्रोफोनो प्लस साइपरमेथ्रिन अर्थात पोलिट्रीन, जो कि सिजेंटा कंपनी की आती है और नागार्जुना कंपनी के प्रोफेस के नाम से आती है, इसको आप कम मात्रा में डालें, जैसा कि 15 से 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाकर डालें, क्योंकि ये फूल पर भी नुकसानदायक हो सकते हैं। किसान भाइयों, आप कीटनाशक के साथ साथ ये ध्यान ज़रूर रखें कि यदि आपकी फसलों में ऐसी कोई बीमारी है तो आप इसमें, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है आपको, कि आप टाटा कंपनी की ताकत और इंडोसिस केमिकल लिमिटेड की वेपन के नाम से आती है, या जिस भी किसी कंपनी की अच्छी
कंपनी की आपको कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल का जो कम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, वो मिल जाए, तो आप 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव करें। ये छिड़काव आपको 2 बार करना है। एक बार करने के बाद में उसके 7 दिन बाद अर्थात 1 हफ्ते बाद फिर से करें तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाई।